हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फोटो और सिग्नेचर के साइज को रिसाइज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए जो फोटो का साइज होता है, जो सिग्नेचर का जो साइज होता है, एक रिक्वायर्ड होता है, जो कि जनरली इसी साइज में आपसे मांगा जाता है फोटो और सिग्नेचर का जो साइज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फोटो और सिग्नेचर के साइज को रिसाइज कर सकते हो। तो स्टेप्स जो है बहुत सिंपल है फोटो और सिग्नेचर के साइज को रिसाइज करने का, तो आपको वीडियो में सारे स्टेप्स ध्यान से देखना है बिना किसी स्टेप को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक फोटो और सिग्नेचर है जिसका कि मुझे इसका साइज जो है वो रिसाइज करना है। तो आपको अपने कंप्यूटर में एमएस पेंट को ओपन कर लेना है। एमएस पेंट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फाइल पे आना है और यहाँ पे आपको ओपन पे आना है। देन यहाँ पे आपने जहाँ भी अपने फोटो असाइन को रखा है यहाँ से आपको वो लोकेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए मिस्टर बीन का जो फोटो है मैं यूज़ कर रहा हूँ रिसाइज करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे फोटो को रिसाइज करने के लिए यहाँ पे आपको एक रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको रिसाइज बाय में पिक्सल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपका जो रिक्वायरमेंट है पिक्सल आपको यहाँ पे वो फिल करना है। पिक्सल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपका जो फोटो होगा वो रिसाइज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो। यहाँ पे जो पिक्सल शो हो रहा है 230x200 पिक्सल यहाँ पे शो हो रहा है। अब सिंपली यहाँ पे आपको इस फोटो को सेव कर लेना है, फाइल में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एज में आना है। देन यहाँ पे आपको JPG पिक्चर में इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको किस लोकेशन में अपने फोटो को सेव करना है यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे फोटो को मैं रीनेम कर लेता हूँ। फाइल रीनेम करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपका जो फोटो होगा वो रिसाइज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे उसी तरह आप सिग्नेचर को कैसे रिसाइज कर सकते हो यहाँ पे मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको फाइल पे आना है, देन यहाँ पे ओपन पे आपको आना है और फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये सिग्नेचर है जो कि मुझे इसको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक कर देना है और रिसाइज बाय में आपको पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट साइज होगा यहाँ पर आपको वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस पिक्सल में मैंने अभी रिसाइज किया था सिग्नेचर को जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब सिंपली सेव करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे आना है, सेव एज के ऑप्शन पे आना है। देन यहाँ पे आपको JPG पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आप सिग्नेचर को सेव करना चाहते हो और आप चाहे तो फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। फाइल रीनेम करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर होगा वो रिसाइज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जनरली जो एग्जाम्स के लिए फोटो और सिग्नेचर का जो साइज होता है वो ये साइज में होता है जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरह से आप MS Paint के अंदर फोटो और सिग्नेचर के पिक्सल को रिसाइज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया हो कि फोटो और सिग्नेचर के साइज को रिसाइज कैसे करते हैं। और अगर आपको फोटो और सिग्नेचर के साइज को रिसाइज करने में कोई दिक्कतें आ रही है फिर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।